गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए। ये है केंदुझर रेलवे स्टेशन। इसी स्टेशन का आज एक VC प्रोग्राम है प्रधानमंत्री का, उसका प्रोग्राम आज देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या क्या कैसे पोस्टर मारा गया है उसको देखेंगे और अंदर चलेंगे, कैसा प्रोग्राम चल रहा है। ये हुआ एंट्रेंस और उसका साइड में ऐसा सीनरी सब है। ये हुआ स्टेशन का अंदर का प्रोग्राम। तो सबको अपने अपने जगह में अभी बैठ जाएंगे। हम लोग अभी कल्चरल प्रोग्राम तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग की टीम रेडी है। तो ओबीसी डांस Oh,
देश में
राम और सुधार ने भी हो सकता है मुमकिन बनाने वाले देश के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णायक नेतृत्व में रेलवे में बदलाव के लिए हुए अथक और समग्र प्रयास नए भारत की रेल को आहुति करने पर देने के लिए पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए का किया गया निवेश और बदल गई रेलवे की तस्वीर। आज की रेलवे आज एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से गुजर रही है। इस दशक के अंत तक भारतीय रेलवे का पूरी तरह कायाकल्प होने जा रहा है। पिछले दशक प्रधानमंत्री जी के दृढ़ संकल्प और स्वच्छ नीति को दर्शा रहा है। तभी तो मात्र 10 वर्ष में 30,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का निर्माण और विद्युतीकरण हुआ। 40,000 किलोमीटर से अधिक रेल लाइन का विद्युतीकरण भी हुआ। 6,000 से अधिक स्टेशनों पर हाई स्पीड वाईफाई की सुविधा डिजिटल इंडिया की पहचान स्टेशन बन रहे इसी दिशा में आज एक स्वर्णिम अध्याय हो रहा है। 41,000 करोड़ रुपए की 2,000 आधुनिक वेटिंग लाउंज एरिया पर्याप्त पार्किंग की सुविधा मल्टी मोडल कनेक्टिविटी और आवागमन के लिए अलग अलग प्रवेश द्वार जैसी सुविधाएं साथ ही ये स्टेशन होंगे पर्यावरण अनुकूल और दिव्यांग फ्रेंडली भी। पिछले एक दशक में भारतीय रेलवे नागरिकों की सुरक्षा के प्रति बहुत ही गंभीरता से काम कर रही है। सुगम रेल और सड़क यातायात नए भारत की नई कार्य संस्कृति का प्रतीक। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्पीड से करता है। आज भारत जो करता है अभूतपूर्व स्केल से करता है। आज के भारत में छोटे छोटे सपने देखना छोड़ दिया है। हम बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए दिन रात एक करते हैं। यही संकल्प इस विकसित भारत विकसित रेलवे कार्यक्रम में दिख रहा है। मैं इस कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों और 1,500 से ज्यादा दूसरी जगहों से लाखों लोग जुड़े हैं। अलग अलग राज्यों के माननीय राज्यपाल श्री माननीय मुख्यमंत्रीगण केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रीगण सांसदगण विधायकगण और स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रबुद्ध नागरिक पद्म पुरस्कार सुनकर सम्मानित मिला है। ऐसे परिश्रम हुआ भारत के महत्वपूर्ण जीवन जवाहरी खपाने वाले हमारे स्वतंत्र सेनानी फ्रीडम फाइटर और हमारी भावी पीढ़ी स्वस्थ अतिथि आज हमारे साथ आप सभी की उपस्थिति में आज एक साथ रेलवे से जुड़ी 2,000 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ और आज का ये कार्यक्रम है। आज 27 राज्यों के करीब 300 से वो वाकई कमाल का जुटता है। इसके अलावा आज 1,500 से ज्यादा रोड ओवरब्रिज अंडर की शुरुआत की थी तब भी 500 से अधिक स्टेशन के आधुनिकीकरण पर काम शुरू हुआ था। देश के विभिन्न राज्यों को वहां के सभी मेरे नागरिक भाई बहनों को अनेक अनेक
शुभकामनाएं देता हूं।